पढ़ाई करते रहो, फोकस पढ़ाई करते रहो, फोकस करते रहो. Rishvic Pushpakaran, he's the rank 72 of KVPY. So, main expect ki thi wali rank. Achhi rank to expect ki thi. Kitni rank expect kar rahe the? 250 aise kuch expect kar raha tha ki matlab acha tha diya tha, expected se kafi acha gaya tha. Lekin fir 72 aaye to kafi acha gaya tha. What my parents ko kaise feel ho raha hai? पेरेंट्स तो हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो. कि पेरेंट्स को भी अच्छा लगा था काफ़ी इसके बारे में. हर स्टेप पे मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स मुझे. जब भी मैं थोड़ा सा भी आलसी होता हूँ तो फिर एक पुश देते हैं. What motivated you to give KVPY? Was it the just the exam or did you want to get into research? 11th मतलब एक ऐसा टाइम था जब मैं अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहता था. मतलब मैं क्यूरियस था अलग बारे में, मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है. उसी में फिर लगा था कि KVPY में अगर अच्छा रैंक आ गया तो फिर एक वन स्टेप फॉरवर्ड जैसे होगा. इसे एक चीज अचीव की. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर KVPY? बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वुड बी एट द बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 11th. एट द अर्लियर यू नो अबाउट KVPY इट्स द बेटर, बिकॉज़ KVPY का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा 11th को इन डेप्थ कवर करता है. जैसे जैसे चैप्टर्स चल रहे हैं साइड साइड में पढ़ते रहना चाहिए चैप्टर्स में क्या है. वो छोटे छोटे फैक्ट्स को एकदम बड़ा से अच्छे से क्वेश्चन में प्रेजेंट कर सकते हैं. और फिर आखिर में एग्जाम से पहले एक दो हफ्ते पहले थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए. वापस देख के तुम्हें अगर शुरुआत में अच्छे से पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा कि वापस कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है ताकि उन सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सके. पढ़ते वक्त एक चीज होती है, क्वेश्चंस भी करने चाहिए साथ साथ. क्योंकि क्वेश्चंस करने से पता चलता है कि कैसे लेवल के सवाल पूछेंगे. क्योंकि हर एक एग्जाम अलग अलग टाइप का सवाल पूछता है तो फिर वैसे क्वेश्चंस करने से एक ब्रॉडर सेंस आता है एग्जाम के बारे में. सो वेयर डिड यू गेट योर स्टडी मटेरियल फ्रॉम? मैथ्स में तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है. जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखना है तो मैंने ऐसे लोनी ली थी. फिजिक्स के लिए वो HC वर्मा और इरोडो भी मेरे भैया की पढ़ी हुई थी पहले से ही. केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक के लिए मैंने सोलोमन्स ली थी. फिजिकल के लिए अलग से अवस्थी करके बुक है वो ली थी. Tell me a little bit about myPAT. How did it help you? How did the mock tests on myPAT help you get through the exam? मैं चेक करता था myPAT पे रेगुलरली टेस्ट आते हैं तो फिर वो टेस्ट को करते करते क्या बोलते हैं एक शुरुआत में पढ़ाई करना तो ठीक है लेकिन टेस्ट करते करते स्पीड भी बढ़ती है. स्पीड बढ़ने से एडवांटेज ये है, पहली बात एग्जाम खत्म होगा, दूसरी बात एग्जाम खत्म होने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आएगा रिवीजन करते कि एकदम अच्छा गया पेपर. फिर पता चलेगा, फील आएगा कि मार्क्स अच्छे आए हैं. PCM स्टूडेंट हो तुम? मैंने वो बायोसेट से लिया PCM भी. अच्छा बीबी है तो हाँ. Do you want to tell these guys what if they are PCM students since you already know bio quite a bit? तो तुम क्या बताओगे ऐसे लोगों को, कैसे प्रिपेयर करें वो बायोलॉजी के लिए? बायो से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बायो ऐसी आती है कि बायो थोड़ा सा भी पढ़ लो और दिमाग लगा लोगे तब भी बायो का हो ही जाएगा. जैसे हमारे बायो की NCERT की बुक है उसमें जो डीप में एकदम चीजें होती है जो याद करनी पड़ती है वैसे बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे. वो बेसिक टॉपिक से ही पूछेंगे. जैसे सेल बायोलॉजी की चीजें पूछेंगे, जेनेटिक्स की चीजें पूछेंगे. बेसिक्स अगर अच्छे से अंडरस्टूड है तो फिर सारे क्वेश्चन एकदम आंसर हो जाएंगे अच्छे से. याद करने वाली चीजें नहीं पूछते लेकिन जो भी पूछते हैं उसमें दिमाग लगाने वाली चीजें पूछते हैं. right. जो सीधा किसी बुक में दिया नहीं होगा लेकिन अगर टॉपिक खुद पता है तो फिर दिमाग लगा के जवाब दे सकते हैं. NCERT, I believe it's enough. Biology, हाँ, biology के लिए तो enough. During your KVPY, there are two types of tests, right? There's aptitude and then there's interview also, right? Aptitude तो तुमने clear कर लिया होगा. फिर interview के लिए कैसे, how did you prepare? First of all, तो मैं internet पे देखा था लोग, दूसरे लोगों का interview कैसे गया था, क्या क्या सवाल पूछे थे उनसे, क्योंकि वो सब जानना काफी important होता है ताकि आप targeted practice कर सकें कैसे सवाल पूछेंगे. और फिर घर पे भी मैंने काफी mock interview type किए थे. मतलब खुद से सोचा कि कोई मुझसे सवाल पूछे तो मैं कैसे जवाब दूंगा. कभी कभी शीशे में देख के, कभी कभी मम्मी और पापा के साथ वैसे करके. फ्लुएंसी भी काफी अच्छी होनी चाहिए. टर्मिनोलॉजी बतानी चाहिए किस बेसिस पे डिस्क्राइब करनी चीजों को. तो वो सब चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है जो हमें एप्टीट्यूड से लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ. चलो कैसा हुआ था इंटरव्यू? हाँ मुझे अपने हाँ इंटरव्यू से मुझे याद आया जब मैं इंटरव्यू दिया था तब मैं थोड़ा इनडिसाइसिव था क्योंकि वो शुरुआत में पूछे थे सीधे सीधा कि आपका कोई सब्जेक्ट है जिसपे आप सवाल पूछवाना चाहते हो. मैं थोड़ा उसमें इनडिसाइसिव था. मुझे लगता है मैं उसमें बेटर हो सकता था क्योंकि अगर कोई टॉपिक सीधा बता दिया तो फिर वो अच्छे से सवाल पूछेंगे, हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं. इंटरव्यू बेसिकली 20 मिनट्स का होता है. उन्होंने टाइमर सेट करके रखा होता है. सबसे पहले तो उन्होंने कैलकुलस का पूछा था, बेसिक सवाल डेफिनेशंस पूछे थे कॉन्टिनेंट डिफरेंशिएबिलिटी के. उसके बाद वो गए थे थर्मोडायनेमिक्स पे. बात यह मुझे याद नहीं था कौन सा लॉ कौन सा है. लॉज याद थे, मुझे नंबर्स याद नहीं थे उनके. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता. मैंने बोल दिया लॉस पता है नंबर नहीं पता.
तो फिर आगे बढ़ गए हम, तो फिर उसके बाद उन्होंने थर्मल से और एक सवाल पूछे कि डिराइव करो ये सब सब। तब मैं वहाँ पे बोर्ड पे डिराइव कर रहा था, तब जाके मेरे एक फॉर्मूला लिखा और मुझे याद है यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तभी मैंने बोल दिया हाँ सर यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर उसके बाद उससे आगे बढ़े, हर एक सब्जेक्ट के दो तीन टीचर बैठे थे साइड साइड में। अच्छा, तो सेवन एट पीपल ऐसे बैठे थे, हर एक टाइम पे एक एक करके सवाल पूछे थे। आई डोंट बिलीव उन्होंने बायो पे इतना फोकस किया था क्वेश्चन के टाइम पे, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मेनली क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो तुम्हें क्या लगता है एप्टीट्यूड टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट था या इंटरव्यू ज्यादा डिफिकल्ट था? देखे तो दोनों के अलग तरीके की डिफिकल्टी थी। रिटर्न में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, टेस्ट की ये सब उस सब की। इंटरव्यू में स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है अलग से, जो हमने शुरुआत में कभी किया नहीं होता, क्योंकि शुरुआत से बच्चे होते हैं रिटर्न टेस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। वो कभी अपनी स्पीकिंग पे फोकस नहीं करते, कैसे अपने थॉट्स को वर्बलाइज करें। ऐसे बहुत बार होता है कि when we are preparing for exams like these, बड़े exams होते हैं, KVPY, JEE जो भी है, तो ऐसे बहुत बार मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग गिव अप करने लगते हैं कि मेरे से नहीं होगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत पढ़ाई करनी है, सपोर्ट नहीं फील होता कहीं से। तो उस टाइम पर व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दैट जोन? मतलब अच्छा सवाल है। कभी कभी जैसे पढ़ाई करते वक्त कोई बीच में जैसे कोई स्कूल का या किसी का एग्जाम आया तो कम मार्क्स आ गए उसमें, तो फिर लगता है इसमें कम मार्क्स आ गए तो ऐसे ऐसे एग्जाम कैसे होने वाले हैं। लेकिन फिर पढ़ाई करते करते जैसे जैसे क्लैरिटी आती है ना, वैसे वैसे सब खुद बेटर होने लग जाता है, सब सब समझ आने लग जाता है, क्लिक करने लग जाता है। तो फिर वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ, और बस मैंने कर दिया इस बार मैं एग्जाम जितना आता है उतना ही दे दूंगा, मुझे नहीं पता कितना होने वाला है, बस मैं दे दूंगा अपना बेस्ट, ये सोच के मैं गया था, ये करके मैं आ गया। बस जो करना था करने के बाद रिग्रेट नहीं करना था, जो भी किया है। पढ़ाई करते रहो, फोकस करते रहो, क्लास में फोकस करो, जो टीचर्स बोल रहे हैं उस पर फोकस करो, हर एक जो टॉपिक छोटा से छोटा लगे उसे फन फैक्ट की तरह दिमाग में रख लो, और फिर वैसे ही प्रिपेयर करते रहो टेंशन फ्री एकदम अच्छे से, और फिर आखिर में हो जाएगा खुद। ओके, सो दिस वाज रिश्विक, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू हिम, लॉट्स ऑफ इनसाइट्स वी गॉट अबाउट द एग्जाम्स। बिफोर वी गो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, यस डू नॉट फॉरगेट व्हाट रिश्विक जस्ट सेड, एंड आल्सो कमेंट, प्लीज लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक अस टू आस्क people at Rishvic. Please don't forget to download the MyPAT app. Tumne ki thi? Bahut pehle kar li ho to. Haan dekha. Karo na, but tum kya kar, what are you waiting for? Also, is waqt MyPAT par pre-KVPY series chal rahi hai to boost your last 2 months of preparation. So do not forget to click the link below. Haan, tu de raha hai na? Haan, tu dunga. Uska ho, wo uska ho chuka hai, kya phir bhi de raha hai. Tumhara hua hai? Nahi hua na. To de do. Karo. I will see you next week. Until then, peace and love.